नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर चंबा हलचल में आपका स्वागत है। दो वर्ष बाद चुराह की देवी कोठी से माँ बैरावाली लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय कर चंबा पहुंच चुकी हैं। इस मौके पर जहां हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ चंबा के चामुंडा माता मंदिर में लगती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना के प्रभाव के कारण कम लोग ही माता के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। वहीं जहां हर बार श्रद्धालु माँ बैरावाली को अपने घरों में भी निमंत्रण देते थे, इस प्रथा को भी इस बार पूरा नहीं किया जा सका है। गौरतलब है कि सैकड़ों वर्षों से चंबा में यह प्रथा चली आ रही है, जिसके अनुसार माँ बैरावाली 10 दिनों के अपने प्रवास के लिए चंबा पहुंचती है और अपनी बहन चामुंडा के साथ रहती है। हर बार यह भी देखने को मिलता है जब माँ बैरावाली देवी कोठी से चंबा की ओर निकलती है, तब मौसम ठंडा हो जाता है और जोर से हवाएं चलती हैं। वहीं माँ बैरावाली चंबा पहुंचती है तो बारिश होती है, जो माता के चंबा पहुंचने का संदेश है। वहीं सदियों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर लोग भी काफी संख्या में इस प्रथा में भाग लेते हैं। वहीं 10 दिनों बाद इस अवसर को लेकर चंबा के चामुंडा मंदिर में जात्र का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और दोनों देवियों की पूजा अर्चना के साथ नाट्य नृत्य को करते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। माता की इस यात्रा को लेकर चंबा हलचल द्वारा चंबा की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के जानकार मंगलेश शर्मा से बात की गई, तो इस दौरान उन्होंने इस प्रथा से जुड़ी विभिन्न कथाओं बारे जानकारी दी। चंबा जनपद में आज के दौर में एक बड़ा धार्मिक जो गतिविधि है उसका वातावरण बना हुआ है। नो डाउट के नवरात्रि चल रहे हैं, लेकिन नवरात्रों के साथ साथ एक और बात चंबा के लोगों के लिए बड़ा महत्व रखती है, वो है चंबा में देवी कोठी गांव से जिसे जो में जो देवी है जिसे माँ बैरावाली बोला जाता है, जो चामुंडा का अवतार मानी जाती है, वो आजकल चंबा में आई हुई है। उनका चंबा प्रवास है और उनका चंबा का प्रवास जो है ये लगभग 10-15 दिनों का रहता है, और इन दिनों में ये भक्ति चंबा आती है तो चंबा के लोग उसकी उस भक्ति की दर्शन करने के लिए बकायदा चामुंडा मंदिर में जाती है, जहाँ पर वो रहते हैं, उनका निवास स्थान रहता है, और साथ में लोग अपने घरों में भी उनको बुलाने का उपक्रम करते हैं। बैसाखी के दिन जब चंबा जिसको बसुआ बोला जाता है, जब वहाँ देवी कोठी में जात्र होती है, तो उस देवी कोठी जात्र के पश्चात भक्ति जो वहाँ से चलती है, लोग 5 दिनों का पैदल चलकर वो अपने अपने गुरुओं के साथ अपने देवालयों के जो जो भजंतरी होते हैं उनके साथ ये चंबा में पहुँचती है, बजाते हुए गाते हुए, और बड़ा जब वो निकलती है जहाँ से भी निकलती है तो लोगों के श्रद्धा के साथ अपने आप मस्तक जो है झुक जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये चंबा की चामुंडा देवी है, उसकी बहन है ये होगी, बिंदल माता होगी, संधि वाली माता होगी, ये सभी बहनें मानी जाती हैं। और पहले इसका प्रवास तो बाया संधि था, संधि गांव से होकर आती थी, लेकिन क्योंकि जब ये चंबा आती है तो एक चीज़ बड़ी अनोखी देखने में मिलती है कि जब इसका चंबा का प्रवास होता है और जब ये देवी कोठी मंदिर से उठती है, जब इसका प्रवास चंबा के लिए शुरू होता है, तो उसी समय वातावरण एकदम से बदल जाता है, चाहे कितनी धूप क्यों ना हो, हवा चलती है, बारिशें होती हैं, मन इस तरह का पूरा बड़ा ठंडा ठंडा वातावरण जो होता है, एक तरह से वो अपनी अनुभूति होती है, तो एक मैसेज देती है भक्ति उसमें माध्यम से सुख समृद्धि के, लोगों की सुख समृद्धि के लिए। और कई बार तो बड़ी ज़्यादा जो हवा जो चलती है या बड़ी बारिशें भी होती हैं, गड़ाके होते हैं अंबर के, और ऐसे में जब पहले इसका जो प्रवास था वो वाया संधि हो गया था, संधि माता में जाती थी, संधि में रहती थी ये, लेकिन संधि माता ने बोला कि जब माँ बोला मेरी बहन तू जब वहाँ से आती है तो यहाँ पर नुकसान हो जाता है कई बार, तो इसलिए तू बेहतर है कि तू आप जो है वो यहाँ मत आया करो, मेरे लोगों को मेरे आसपास के लोग हैं उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, इसलिए आप मत आया करो। उसके बाद संधि का जो प्रवास है इसका वो खत्म हो गया, बाया पुखरी हो गया, नीचे से यह चली भक्ति हुई चंबा पहुँच जाती है। और बड़ी मजे की बात यह है कि जब ये भक्ति 1000 सालों से चंबा में आ रही है और 1000 सालों में इसकी जो व्यवस्था थी, जो राज परिवार वो देखता था, उसके माध्यम से जो लक्ष्मी नाथ मंदिर कमेटी थी उसकी व्यवस्था देखती थी और उनके रहने खाने की व्यवस्था देखती थी, तो 3 मंदिर में ऊपर जब तक वो चामुंडा मंदिर में रहते थे, जितने 15-20-25-30-50 लोग आए
उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था जो है लक्ष्मीनाथ मंदिर देखता था। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां बनी कि लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास भी इतने साधन नहीं रहे, सरकारीकरण उसका हो गया, तो लक्ष्मीनाथ मंदिर ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो उस वजह से अब उनके खाने पीने की व्यवस्था जो श्रद्धालुगण देखते हैं और बाकायदा लोगों के घरों में जाते हैं, लोग उनको बैरी वाली माता को अपने घर में बुलाते हैं, बैरी वाली माता का घर में उनका जो प्रवास होता है वहाँ पर उन जो उनके साथ जो साथी लोग उनके रहते हैं, उनके जो सेवक रहते हैं उनको वो बाकायदा खाना खिलाते हैं, धाम खिलाते हैं या जो कुछ भी हुआ श्रद्धानुसार कुछ ना कुछ उनको देते भी हैं। और ये एक क्रम बन गया, अभी एक तरह का ये क्रम बन गया है और लोग उसको बड़ी अच्छी तरह फॉलो करते हैं। और पूरे शहर में वो जब वो भक्ति चलती है तो बजाते हुए गम डमा डम डमा डम रणसिंगा बजता है, काल बजती है, तो एक अलग तरह से जब वो बजना शुरू होती है तो लोगों का ध्यान एकदम से जाता है कि ये जो एक अलग चीज़ जो है वो चंबा के संस्कृति में देखने को मिलती है और लोग एकदम से फॉलो कर जाते हैं, मान जाते हैं कि भक्ति क्या वो मूव कर रही है, चल रही है। अच्छा, अब हम इसको केवल मात्र इसका प्रवास जो है बैर वाली माता का प्रवास है उसको केवल मात्र इसलिए नहीं एक बहन के साथ मिलने के साथ ही नहीं जोड़ सकते, इसको हम दो संस्कृति चंबा की संस्कृति और चुरा की संस्कृतियों का मेल के रूप में भी देखते हैं। और एक बात और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो देवी कोठी का मंदिर है जिसे बैरा भक्ति का मंदिर बोला जाता है, उसके माध्यम से वो वर्ल्ड टूरिज्म के मैप पर जो चंबा दिखता है, अगर चंबा की पहचान वर्ल्ड टूरिज्म के मैप पर देखें तो शायद उसका जो नाम है या उसका जो उसकी जो पहचान है वो देवी कोठी मंदिर है। ये एक इन्फॉर्मेशन है सब लोगों के लिए, जानने वालों के लिए, कि उसके माध्यम से चंबा की पहचान जो है, अदरवाइज वर्ल्ड मैप के ऊपर चंबा कहाँ दिखेगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी है कि वहाँ पर मंदिर में देवी कोठी मंदिर में जाए तो वहाँ पर उसकी दीवारों के ऊपर मिनिएचर आर्ट जो है पेंटिंग हुई है, मिनिएचर पेंटिंग बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन शायद वहाँ के लोगों को इस चीज़ का इतना आभास नहीं था कि ये इतनी दुर्लभ चीज़ है, कुछ तो खराब भी हो जाएगी है, हालांकि उसका संरक्षण के लिए बाकायदा प्रयास होते रहते हैं, तो हो भी रहे हैं। लेकिन उस पेंटिंग के माध्यम से, उस कला कृति के माध्यम से या वहाँ का जो पहाड़ी सैल का मंदिर है उसके माध्यम से, देवी कोठी के माध्यम से चंबा भी वर्ल्ड मैप के ऊपर दिखता है। हाँ, और जब इसका प्रवास खत्म होता है भक्ति का, जो चंबा से वापसी जाती है, चंबा में भी पूरी जात्र होती है, जात्र के बाद दूसरे दिन ये वापस देवी कोठी के लिए जो प्रवास करती है, तो जाते हुए चंबा के जो लोग हैं गलियों गलियों में खड़े रहते हैं, उनको पास जो भी अपने मन से जो भी इच्छा होगी, छोटा मोटे कोई 5-10 रुपया हो गया, कोई नसरवा हो गया, नसरवा में जैसे कोई चावल हो गए, आटा हो गया, गुड़ हो गया, चीनी हो गया, घी हो गया, वो अपने घरों से लाकर भक्ति को देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि भक्ति अपना आशीर्वाद जो चंबा के लोगों के ऊपर बनाए रखे, उनके परिवार के ऊपर बनाए रखे, चंबा के समाज के ऊपर बनाए रखे। तो इस तरह से पूरे का पूरा जो है ये 14-15 दिनों का उसका जो प्रवास है ये खत्म होता है और लोग फिर ये उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष भक्ति फिर आएगी। और जब मार्च का महीना शुरू होता है उसी टाइम से डिस्कशन शुरू हो जाती है कि भक्ति कब चंबा पहुँच रही है, भक्ति कब चंबा पहुँच रही है, मतलब एक तरह से बड़ा जिज्ञासु रहते हैं लोग, भक्ति कब चंबा आए, उसके दर्शन करें, क्योंकि हर व्यक्ति देवी कोठी नहीं जा सकता। तो ये इस तरह से चंबा के इतिहास के साथ इसका बड़ा गहरा संबंध है।